हरियाणा के मेवात जिले के तावोड़ में शहीद डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई को आज मिट्टी दी जाएगी। हालांकि उनके शरीर को सुबह 10 बजे मिट्टी दी जानी थी, परंतु रात 2 बजे से हो रही बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया। इस कारण मिट्टी देने में अब समय लगेगा, क्योंकि जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक यह रस्म पूरी नहीं की जा सकती। वहीं उनका बेटा सिद्धार्थ कनाडा से वापस आ गया है। आपको बता दें कि इससे पहले उनका शव मंगलवार रात को हिसार सिविल अस्पताल में पहुंच गया था। शहीद डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई के घर पर शोक प्रकट करने के लिए क्षेत्र के मौजूदा लोग पहुंच रहे हैं। वहीं शहीद के भाई प्रिंसिपल सुभाष बिश्नोई ने बताया कि उन्हें उनकी हिस्से में आई जमीन में मिट्टी दी जाएगी। इतना ही नहीं, डीएसपी सुरेंद्र की मंगलवार को तावड़ू में खनन माफिया ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी थी। डीएसपी अवैध खनन की सूचना मिलने पर कार्यवाही करने के लिए उस जगह पर पहुंचे थे, परंतु खनन माफिया ने उन्हें मार डाला। हत्या के बाद उनकी पत्नी और बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।